आयुर्वेदिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार जैसे ही रात 8:56 पर एक ट्वीट किया, मानो सोशल मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दरअसल पीएम मोदी का ट्वीट ही कुछ ऐसा था। वो रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर खूब हो हल्ला हुआ। सोमवार रात से हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा था। सवाल था कि पीएम मोदी, जो कि खुद एक सोशल मीडिया पर्सन है, सोशल मीडिया के स्टार है, लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए पुश करते रहते हैं, अपने मंत्रियों पर भी सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं, वो जब सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन खबरों का बाजार जब ऐसा गर्म हुआ तो लगता है पीएम मोदी ही खुद को इस राज पर से पर्दा उठाने से रोक नहीं पाए। तभी तो मंगलवार को पीएम मोदी ने 1:16 पर एक और ट्वीट किया, लिखा, इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन महिलाओं को सौंपूंगा जिनका जीवन और जिनका काम हमें इंस्पायर करता है, जिससे कि वो और लाख लोगों को प्रेरणा दे सकेंगी। क्या आप ऐसी महिला हैं? या फिर क्या आप ऐसी किसी प्रेरक महिला को जानते हैं, तो #SheInspiresUs का उपयोग कर ऐसी महिलाओं की कहानियों को हमारे साथ साझा करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि ये अकाउंट संभालने के लिए महिलाओं को उनकी प्रेरित करने वाली कहानी के आधार पर चुना जाएगा। यानी अगर आप एक महिला हैं जिसने जीवन में किसी को प्रेरित करने वाला काम किया है, वो इसे साझा कर एंट्री कर सकती हैं। #SheInspiresUs के साथ उसे फेसबुक पर पोस्ट करें। चुनी गई महिलाओं को पीएम मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए संभालने का एक सुनहरा अवसर दिया जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये पीएम मोदी का महिलाओं को सम्मान देने का एक तरीका है। एक महिला जिसने किसी न किसी रूप में किसी को प्रेरित किया हो, उसके लिए महिला दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री का नायाब तोहफा है। तो यही है वो राज जिस पर से अब पीएम मोदी ने पर्दा उठा दिया है, बता दिया है कि आखिर क्यों रविवार को वो सोशल मीडिया को छोड़ने की बात कह रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था, इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की सोच रहा हूं। इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस सब के बाद कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि एक दिन के लिए 8 मार्च के दिन महिला दिवस के खास मौके पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, फिर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सभी अकाउंट्स को कोई ना कोई महिला संभालेगी और इसी के जरिए पीएम मोदी महिलाओं को विशेष सम्मान देने जा रहे हैं। इसके बाद इतना तो पक्का है कि पीएम मोदी के जिन फैंस को पीएम मोदी के पहले ट्वीट से झटका लगा था, जो लोग पीएम के सोशल मीडिया छोड़ने पर खुद भी सोशल मीडिया से संन्यास लेने की बात कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी। और जो लोग पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर खुशी जता रहे थे, उनकी खुशी क्या उनके चेहरे का ही रंग उड़ गया होगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक टैगलाइन खूब वायरल हो रही थी कि पीएम मोदी दिल में आते हैं समझ में नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साबित कर दी। पीएम मोदी सरप्राइजेस देने में माहिर हैं। साल 2016 में 8 नवंबर को रात 8 बजे दिया गया पीएम मोदी का सरप्राइज कौन भूल पाया है, जब उन्होंने आधी रात से ही 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि पीएम मोदी का ये सरप्राइज देश की जनता के लिए सरप्राइज कम शॉक के रूप में जरूर उभरा था। सोशल मीडिया को पॉलिटिकल दायरे में नहीं देखना चाहिए, उसको उस सांचे में बांधना नहीं चाहिए। और अभी भी हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ा कैनवास है, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज कई लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान अपना माल कहाँ बेचना वो तय कर रहा है, क्योंकि उसको वाइड रेंज कम्युनिकेशन फैसिलिटी उपलब्ध हुई है। उसको ध्यान में होता है कि मेरा उज्जैन के अंदर सोयाबीन पैदा हुआ, वो गुजरात के दाहोद के मार्केट में मेरा सोयाबीन बेचेगा, वो सोशल मीडिया से जान रहा है। जो जानकारियों के लिए उसके पास और कोई सोर्स नहीं थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किसी एग्ज़ाम के समय आजकल वो सोशल मीडिया से उनको टिप्स मिल जाता है कि भाई ये करो। तो बच्चे मैं भी देख रहा हूँ, 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे सोशल मीडिया से एग्जाम में जाने से पहले टिप ले रहे हैं। यानी ये एक ऐसा माध्यम है, उसका समाज जीवन में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उपयोग हो सकता है। इसको सिर्फ पॉलिटिकल साँचे में बांधना सोशल मीडिया से अन्याय हुआ। दूसरा, मैं हैरान हूँ, जब मैंने टीवी में ये टैलेंट शो होने लगे ना, कुछ टीवी शो वालों ने किए, और उसमें जब छोटे छोटे बच्चे आने लगे, वो कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते थे, कभी समय मिलता था, 4 साल का बच्चा गा रहा है,
पाँच साल का बच्चा तबले बजा रहा है, तो मैं इतना अभिभूत हो जाता था कि क्या टैलेंट है हमारे देश में, कितने बच्चे होनहार बच्चे हैं, मेरे मन को छू जाता था। लेकिन सोशल मीडिया में मैंने देखा कि इतनी क्रिएटिविटी हमारे देश के नौजवानों में है और इतनी एनालिटिकल माइंड है, इतने शार्प है, इतना मुझे गर्व होता है कि हमारे देश के पास, और मैं मानता हूं थ्रू सोशल मीडिया समाज का नेतृत्व करने वाले हर लोग, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक ने उसमें से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया सिखाने के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सीखने के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लिया है, मैंने सोशल मीडिया को जनता जनार्दन के दूर सुदूर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए एक हाईवे के रूप में उपयोग किया है, जिसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग मेरी बातों को डिसिमिनेट करने के लिए नहीं किया है, मैंने करोड़ों लोगों की बातों को ग्रहण करने के लिए लिया है। मेरा अप्रोच अलग है, इसके कारण मेरी ताकत बहुत बड़ी है।